शेती उत्पादनावर प्रक्रिया उद्योग आधारित असलेल्या अवरफूड या कंपनीचं शेतकरी प्रशिक्षण रामचंद्र चव्हाण यांच्या माळीबाबुळगाव येथील नगर रोडवरील दाळ मिल या प्रक्रिया केंद्रावर साजरं झालं। यावेळी कोरोनाच्या सर्व निकषांचं पालन करून शेतकरी हजर होते। कंपनीचे महाराष्ट्राचे प्रमुख रविकुमार आणि अहमदनगर नाशिक जिल्ह्याचे व्यवस्थापक अमोल शेळके तसेच नगर जिल्ह्याचे प्रमुख अक्षय दातीर आणि कंपनीचे पदाधिकारी हजर होते। अवरफूड कंपनीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दाळ मिल, शेंगदाणा ऑइल मिल, हळद पावडर मिल, मिरची पावडर मिल कंपनीकडे उपलब्ध असून शेती उत्पादनावर आधारित प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी सर्व माहिती दिली जाते। उद्योगासाठी कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते। तर उद्योगाची उभारणी करताना कंपनीचे तज्ज्ञ अधिकारी हजर राहून मशिनरी चालवण्याचं प्रशिक्षणही दिलं जातं। त्यानंतर कच्च्या मालापासून तयार केलेला पक्का माल 5 वर्ष अवरफूड कंपनी खरेदी करणार असल्याचा करार देखील केला जातो। या प्रक्रियावर आधारित व्यवसायाची निवड केल्यास शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चांगल्या प्रकारे करू शकतो। सर आपका विजन क्या है? हमारी कंपनी आर फूड प्राइवेट लिमिटेड और बाला रेड्डी सर का जो विजन है वो सिर्फ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे लिमिटेड नहीं है। मतलब उसका क्या हुआ, ऑल्दो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, बट हम चाहते हैं ये जो फ्रेंचाइजीज हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं हर गांव के अंदर वो हमारा एक मार्केटिंग हब की तरह काम करना चाहिए, जिससे आप अगर किसी कंपनी को या फिर सरकार को या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को अपने फार्मर्स को रीच आउट करना है कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो ये जो हमारे फ्रेंचाइजी हैं ये एक चैनल का काम करना चाहिए। सिर्फ प्रोसेसिंग के अंदर नहीं, आप फार्म अलाइड जो भी सर्विसेज है, इनपुट सर्विसेज, एक्सटेंशन सर्विसेज जो भी है, इसीलिए हम जो एजुकेटेड फार्मर्स हैं उन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आप कितने और किस किस प्रकार के मशीन किसानों को दे रहे हैं? तो देखिए, अगर आप एज अ कंपनी बात करें तो हमारी कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा। हर तरह की क्रॉप में जाएंगे। अभी के लिए, अभी करेंटली अगर आप देखे जाए तो हम 6 कमोडिटीज के अंदर हैं। हम 6 प्रकार की मशीनें प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारी मशीनें यूज होती हैं ओब्वियसली महाराष्ट्र में दाल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, तो हम दाल की मशीनें देते हैं, हम हल्दी की मशीन भी देते हैं, हम रेड मिर्ची की, लाल मिर्ची की मशीन भी है प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास है, हमारे पास बाजरे की मशीन भी है, हमारे पास चावल की मशीन भी है। अच्छा। और ग्राउंड नट सिंगदाने की भी हम मशीन रखते हैं। तो इन सब मशीन को ना सिर्फ हम प्रोवाइड करते हैं बट ऑल्सो ट्रेनिंग भी देते हैं फार्मर्स को कैसे प्रोसेस करना है। महाराष्ट्र में आपका जो उपक्रम चल रहा है तो आप किस प्रकार किसानों की मदद कर रहे हैं? तो हम महाराष्ट्र के हर गांव के अंदर यंग एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड किसानों की मदद करना चाहते हैं, जो अपने गांव में बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर। ठीक है। तो उनको बेसिकली सिंपल ये काम करना होता है कि अपने खेत में जो रोड के नजदीक हो प्रेफरेबली, और अपने वहां पे 1,000 स्क्वायर फीट का शेड कंस्ट्रक्ट करना होता है। जैसे आप देख रहे हैं आसपास, ये अहमदनगर पाथरडी तालुका के अंदर एक फ्रेंचाइजी ने बनाया है। एक बार वो जाते हैं तो हम फार्मर्स को ये जो मशीन होती है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, जैसे दाल है तो यहाँ पे इस किसान को हमने ट्रेनिंग भी देते हैं मशीन को कैसे चलाना है, कैसे प्रोसेस करना है, अगर बाद में कोई प्रॉब्लम होती है टेक्निकल लोग उसकी वो भी हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फार्मर को। फिर सबसे बड़ा इशू आता है प्रोसेस करने के बाद बेचने का, उसमें भी हम फार्मर की पूरी सपोर्ट करते हैं और उनको जो उनकी क्वालिटी के हिसाब से जो सही प्राइस होता है वो देते हैं। सर आपके इस उपक्रम से किसान आत्मनिर्भर बन सकता है क्या? बिल्कुल। हमारा मानना ये है कि अभी भी जिस तरह से हमारे जो किसान है वो काम कर रहे हैं, जो छोटे किसान है स्पेशली। अच्छा। वो लोग क्या है, वो दलाल पे बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब वो ना तो अपना ट्रांसपोर्ट खर्च करके मंडी तक जा सकते हैं और उसीलिए दलाल जो है उसके बीच में ज्यादा चार्ज करता है, जिससे नुकसान होता है। तो जब मैं बोलता हूँ कि इस हमारे मॉडल के थ्रू किसान आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर उनके गांव में ही एक प्रोसेसिंग यूनिट है जिनके लिए जहाँ बेचने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, तो वो अपना मार्जिन बचा के किसान अपने ऊपर अपने लिए थोड़ा ज्यादा पैसा बचा सकते हैं। Okay. और इवन जो आसपास के किसान हैं उनको बाहर लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो वो अपने पास ही अपने फार्म लेवल में अपने गांव के अंदर जो साथी किसान है उनके साथ मिलके ही
अपनी जो कमाई है उसको बढ़ा सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कर। अभी आपने जो बताया कि आप किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, तो किस प्रकार आप किसानों को ट्रेनिंग देते हैं? देखिए, किसानों को एक बार शेड कंस्ट्रक्शन होने के बाद, मान लीजिए हमने उनके शेड के अंदर मशीन को इंस्टॉल कर दिया, तो ऑब्वियसली उनको नहीं आएगा काम कैसे करना है इसके ऊपर, राइट। बट इस चीज के लिए हमारी टीम है, स्पेशल टीम है जिसे हम मशीन टेक्नीशियन टीम बोलते हैं, जो हर एक तालुका के अंदर दो या तीन लोगों की टीम है, जिनको दाल में, अगर उसके एरिया में दाल की प्रोडक्शन ज्यादा है तो उनकी दाल में एक्सपर्टी होती है। वो आते हैं किसान के साथ, तीन दिन तक का एक कैंप लगाते हैं, जो अभी आप देख पा रहे होंगे, ये अभी ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा चल रहा है, जिसके अंदर वो किसान को अच्छे से सिखाएंगे एग्जैक्टली इसको इस्तेमाल करना और सबसे बेस्ट क्वालिटी कैसे लेके आनी, बिकॉज उसका प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे उसी पे डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसे आ रही है। तो हमारा फोकस पूरा क्वालिटी पे होता है, ताकि उसकी प्राइस, उसकी जो फसल है उसको अच्छा प्राइस मिले। या माध्यमातून अनेक शेतकरी उद्योजक होत आहेत। कंपनी प्रत्येक गावामध्ये एक केंद्र देणार असून त्याचा लाभ शेतकऱ्यांनी घ्यावा असंही रवी कुमार यांनी यावेळी सांगितलंय। या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक आणि सूत्रसंचालन अक्षय दातीर यांनी केलं, तर सर्वांचे आभार अमोल चव्हाण यांनी मानले। अमोल कांकरिया सह मुकुंद लोहिया, सी न्यूज मराठी, पाथर्डी।